पनीर खाना हर किसी को बहुत पसंद होता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर की बहुत ही आसान रेसिपी, जिसका नाम है रेशमी पनीर रोल। इस पनीर रोल को हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, कम तेल में बनाएंगे और इसे बनाना बहुत आसान है। आप इस सुपर सॉफ्ट पनीर रोल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेशमी पनीर रोल की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। रेशमी पनीर रोल बनाने के लिए एक मिक्सर जार में हम एक तिहाई कप उबला हुआ स्वीट कॉर्न ले लेंगे। इसे हम ऐसे दरदरा पीस लेंगे, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न का पेस्ट बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक थाली लेंगे और इसमें एक उबला हुआ आलू ग्रेट कर लेंगे। आलू को ओवर कुक नहीं करें, बस मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी लगाएं। तो यहाँ पे आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है, अब हम इसमें पनीर डालेंगे। तो यहाँ पे एक आलू के लिए मैं 200 ग्राम पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो पनीर को भी हमें घिस लेना है। पनीर की क्वांटिटी ज़्यादा रखें और आलू का कम रखें। आप चाहिए तो पनीर को हाथों से क्रम्बल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पनीर को मैंने घिस लिया है, अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो ये आलू पनीर तो मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है, अब हमने जो कॉर्न का पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे इसमें। और इसके बाद ये सारी चीज़ें, यानी कि बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पत्ता, तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च को बारीक काटा है मैंने, 1/4 कप बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता है, साथ में ही नींबू का रस डाल दें। तो यहाँ पे 1.5 बड़े चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ मैं। इसके साथ हम थोड़े से मसाले डालेंगे, तो 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दें, 1 छोटा चम्मच हम इसमें चाट मसाला पाउडर या फिर आमचूर का पाउडर डाल देंगे, नमक डाल दें स्वाद के अनुसार, और इसके साथ 1 छोटा चम्मच हम मिक्स्ड हर्ब या फिर ऑरिगेनो डाल दें, जो भी इटालियन हर्ब्स आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें चीनी डालेंगे, तो 1/2 छोटी चम्मच चीनी डाला मैंने, और इसके बाद इन सबको मिला दें। चीनी डालना इसमें ऑप्शनल है, लेकिन खट्टा मीठा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे तो। अब हम इन सबको अच्छे से ऐसे मिला देंगे और इसके बाद इसके रोल्स बनाएंगे। तो आप चाहिए तो राउंड शेप में या फिर ऐसे ओवल शेप का, जैसा कटलेट या रोल आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं इसे ऐसे शेप दे रही हूँ। मैं यहाँ पे रेशमी रोल बना रही हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। अगर आपको ये जो रोल या कटलेट है क्रिस्पी चाहिए, तो आप इस मिक्सचर में 1/4 कप चावल का आटा या फिर मैदा मिलाएं और इसके बाद ऐसे रोल बनाएं, तो उससे ये जो कटलेट है वो क्रिस्पी होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे 1/4 कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी मिला दें, 2 से 3 चम्मच पानी मिलाएं और पानी डाल के इसका एक गाढ़ा बैटर बना लें। तो इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर लें ताकि इसमें लम्प्स नहीं रहें। तो ये हमारा कॉर्नफ्लोर का बैटर रेडी है। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये रोल रखा है मैंने, ये कॉर्नफ्लोर का बैटर रखा है मैंने, और कोट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये सेव भुजिया, ये बारीक वाली सेव भुजिया मिलती है ना मार्केट में, ये देखिए जो चाट वगैरह पे यूज़ करते हैं, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे ये एक रोल लेंगे और कॉर्नफ्लोर में इसे ऐसे डिप कर देंगे या फिर इसकी एक अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर कर दें, और इसके बाद इसे निकाल के हम इसे भुजिया से कोट करेंगे। तो भुजिया से क्या होगा ना, ये थोड़ा सा ऊपर से क्रंची रहेगा और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसे निकाल लिया। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको ये रोल क्रिस्पी चाहिए, तो आप ये मिक्सचर, जो आलू और पनीर का मिक्सचर है ना, उसमें थोड़ा सा मैदा या फिर राइस फ्लोर लाएँ और सेम प्रोसेस से ऐसे कॉर्नफ्लोर के बैटर में कोट करके, और भुजिया की जगह आप चाहिए तो इसे कॉर्नफ्लेक्स से या फिर सेवई से या फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 2 रोल बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से बाकी के रोल्स को बना लेंगे। आप चाहिए तो इन रोल्स को बना के ऐसे फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आपके घर में कोई गेस्ट आए तब आप इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं। मैं इन्हें डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप इसे डीप फ्राई नहीं करें, क्योंकि हमने मिक्सचर में कुछ भी बाइंडिंग एजेंट नहीं डाला है, मैदा, राइस फ्लोर, तो अगर आप इसे डीप फ्राई करेंगे तो फ्राई करते वक्त ये खुलने के चांसेस इसके रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये रोल बना लिया है। अब हम एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से स्प्रेड कर दें। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे यहाँ पे, और इसके बाद जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम ये रोल्स ये तेल में डाल देंगे। तो यहाँ पे एक ही बार में सारे रोल्स आप फ्राई कर सकते हैं, या फिर आपके पैन में जितनी जगह है उस हिसाब से आप ये रोल्स को फ्राई कर लें। हमने इसमें कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं डाला है जो कच्चा रहेगा, तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। बस 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे आप इसे पलट पलट के, जैसे ये भुजिया है ना, सेव भुजिया, इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, आप इसे निकाल लें। अगर आप इसे ओवर कुक करने जाएंगे या ब्राउन होने तक इंतज़ार करेंगे तो ये खुलने लगेंगे। तो ये देखिए,
बस इसके ऊपर हल्का सा ब्राउन लेयर दिखने लगा है। आप चाहिए तो इन रोल्स को डबल कोट भी कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर और सेव भुजिया से, उससे ये रोल्स और भी ज़्यादा क्रिस्पी होंगे ऊपर से। तो ये हमारे रोल्स जो है वो ऊपर से क्रिस्पी दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आप इसे नहीं पकाएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे। आप चाहिए तो इन्हें तवे पे भी ऐसे शैलो फ्राई कर सकते हैं और भी कम तेल में। तो गैस को बंद किया मैंने और एक बार ऐसे ये वाला जो पोर्शन है उसे मैं पलट देती हूँ। तो ये हमारे मज़ेदार पनीर रोल जो है वो बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए आप इसे टमाटो केचप, सिचुआन चटनी या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें। वैसे ये बिना केचप या चटनी के भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस मुंह में घुल जाने वाले रेशमी पनीर रोल की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे एक रोल मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितना सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं आप। तो आप इस रोल की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।